जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, आप सभी को जय भीम, जय भारत, गुरु रविदास महाराज की जय। आज हम आपको निशान साहब दिखाएंगे। ये निशान साहब जो 51 फीट का है, तो सबसे पहले तो आप हमारा जो गुरु रविदास जी का गुरुघर है वो देख लीजिए, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये हमारा निशान साहब गुरु रविदास जी का, ये 51 फीट का है। तो यह देखिए काफ़ी ऊंचाई पर नज़र आपको आ रहा है, तो उस तरफ जो रोशनी के लिए सूर्य लाइट का इंतज़ाम किया गया है, अगर लाइट चली जाती है तो रोशनी के लिए सूर्य लाइट हमारा जो मंदिर है उसमें रोशनी करती है। तो यहाँ पर इसमें 3 बोल्ट दिए गए हैं, जब इसको साल में 2 बार या 1 बार नीचे उतारते हैं तो ये जो 2 नट हैं, ये और ये वाला नट है, इसको खोल दिया जाता है। और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉक्स, यहाँ पर एक हैंडल होता है, हैंडल लगाया जाता है जिसकी मदद से ये रस्सी, लोहे की जो रस्सी है, यह हमारे जो पैनल है बनाया गया है, ऊपर जो ग्रारी बनाई गई है उसके ऊपर से घूम करके यहाँ पर जो निशान साहिब है इसको उससे बांध दिया गया है। जब यहाँ से उसको घुमाया जाता है तो यह रस्सी खुल जाती है और धीरे धीरे निशान साहिब है वो नीचे उतर जाता है, और फिर निशान साहिब को नया जो भगवे रंग का वस्त्र है वो पहनाया जाता है, और उससे पहले दूध और पानी से नहलाया जाता है, साफ़ करके अच्छी तरह से, फिर इस पर भगवे जो वस्त्र हैं उनको धारण किया करते हैं। तो यह आपको निशान साहिब का बॉक्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यह काफ़ी सेफ सुरक्षित है, ताकि इतना जो भारी इंसान साहब हो जाता है 51 फुट का आप देख रहे हैं, तो उसको एकदम से रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस कारण से यह जो सिस्टम इसमें लगाया गया है, और काफ़ी इसके कारण जो इसको उतारना और फिर से अपनी जगह पर स्थापित करना बहुत ही आसान हो चुका है। हर जगह यह अलग अलग प्रकार के रूप में है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह का ही जो सेटिंग है वो सही लगी है। तो इस कारण से इस बॉक्स में अंदर जो ग्रारी होती है उनकी मदद से इसमें तेल भी डाला जाता है ताकि घुमाने में आसानी हो जाए। तो आपको यह जो सिस्टम है वो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।